धीरेन्द्र, आपने बहुत ही लंबी अवधि से बहुत ही लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न बनवाया है। अब बताइए, आपके हिसाब से हम लोगों ने PSUs में पिछले 2-2.5 साल में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखा, लगभग 2.5-3 गुना तो इंडेक्स बढ़ चुका है, इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो क्या कहिए। क्या ये एक ऐसा ट्रेंड आपको आता हुआ दिख रहा है कि ये तब्दीली लंबी अवधि के लिए चलेगी, या यहाँ पर जो तेज़ी है उससे थोड़ा बच के रहें? PSUs के बारे में मेरी बहुत सालों से यही धारणा रही है कि PSU बहुत ही खतरनाक सेगमेंट है, क्योंकि किसी चीज़ की सरकार मालिक हो ये अपने आप में सबसे बड़ा खतरा है। अगर गवर्नमेंट ओनर है किसी चीज़ की, हम टाटा कंपनी को प्रीमियम देते हैं, हम किसी और कंपनी को डिस्काउंट देते हैं, तो अगर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किसी ओनर को देना चाहिए तो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि बहुत इराटिक है। लेकिन सरकार भी ये समझ गई कि ये हमें लोग थोड़ा हल्के में ले रहे हैं, कुछ हमें कंडक्ट करना चाहिए। तो आप देखिएगा कि सरकार 8-10 साल से PSU के लिए सरकार का रुख बदला है। सरकार पहले बिल्कुल बजट के पहले लास्ट क्वार्टर में, जैसे हमारा टैक्स सेविंग सीजन आता है, उस तरह से अचानक डिसइन्वेस्टमेंट चालू हो जाता था। डिसइन्वेस्टमेंट अगर नहीं हो पा रहा है तो एक भारत 22 बॉन्ड ला करके बेच देते थे, एक PSU CPSC बॉन्ड ला कर, एक CPSC ETF ला करके बेच देते थे। तो सरकार की हताशा में बेचने की वजह से PSU स्टॉक्स की बहुत बदहाली हो गई थी बाजार में, बड़ा इनऑपर्चुन तरीके से। आप देखते होंगे कि कोई कंपनी का पब्लिक इशू आता है, उसके पहले प्रमोटर उसका बाजार बनाता है, कुछ रोड शोज करता है, जेम वालों के पास जाता है कि ज़रा कुछ बाजार गर्म कीजिए। यहाँ पे सरकार को जब डेस्परेशन होता था तो आकर के स्टॉक अपना बेच देती थी, और उस वजह से ये, अगर आप PSU के बारे में लोगों को थोड़ा ये ख्याल रखना चाहिए कि PSU में सुधार हुआ है, इनके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स इम्प्रूव हुए हैं, PSU को थोड़ा बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि रातों रात बहुत सारे, पिछले 4-5 साल में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक गायब हो गए, मर्ज होकर के वो बड़ी एंटिटीज़ हो गई, उनका NPA का स्केल बिल्कुल अलग हो गया। तो ये कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। अब इस ये कितना बड़ा बदलाव है, कितना सस्टेनेबल है, लेकिन मेरी सलाह लोगों को यही होगी कि थोड़ा बहुत PSU भी आपके पोर्टफोलियो में हो तो अच्छा, कोई बात नहीं है, थोड़ा बारीकी से देखिए। आपके देखने का नज़रिया वही होना चाहिए जो किसी भी कंपनी के लिए होना चाहिए, कि कंपनी बढ़ रही है, पैसा बना रही है, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, या ये तुक्का है, और बहुत महंगा मत खरीदिए।